हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ पंजाब के हरिके पतन में, जो कि पंजाब के ही तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है। हरिके पतन का बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, जहाँ की कार पार्किंग के सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने कहा तुम्हें तो नहीं ठंड लगेगी, बहुत ही बारिश है, दबा के मतलब कुछ नहीं दिख रहा। रुक जाएगी ऐसा लग रहा है। तो हमने ये कौन सा शहर क्रॉस किया? अभी तरन तारण, तरन तारण हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी बिजली चमकी मेरे पहाड़ी दोस्तों, तरन तारण देख लो। हरी के अभी भी 30 किलोमीटर दूर है, अभी भी हमें 30 किलोमीटर और गाड़ी चलानी है। सो बहुत मस्त व्यू होने वाला है ये। सो यहाँ से आप बैक साइड का अगर व्यू देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा, वो भी पंजाब में आपको देखने को मिल रहा है। और जगह का नाम है हरी के पतन। अगर साइड पर अगर आप देखते हैं मेरे, ये तो आपको बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है। ये व्यू देखो भाई साहब, व्यू देखो। ड्रोन अगर मैं लेके आता तो यहाँ ना किसी झाड़ी में फंसा होता, ठीक है ना। वो प्लेन लोकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नवंबर टू फेब तक बर्ड सेंचुरी होती है, बहुत सारे देशी विदेशी पक्षी आते हैं यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे किसी लोकल से, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे। ये फेमस है जी हरिके ना, बर्ड दे फेमस है, क्योंकि जिवें के सर्दी के मौसम दे विच अमेरिका, रूस, साइबेरिया, कजाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, अलग अलग देशों तो हजारों की तादाद माइग्रेटरी बर्ड इतने आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उन्होंने स्थान है जो उन्हों का शरीर से ना जल प्रवाह किया। अच्छा जी, बाबा जी शरीर इतने ला के जल प्रवाह किया, उन्होंने ना तो स्थान बने। अच्छा, बहुत जी सी महापुरुख से, इस तरह के बच्चे उन्होंने को सीखते थे, कोई भी गरीब नाथ बहुत ही सहायता करते बच्चों की, बहुत परोपकारी महापुरुख से। हरी के पतन का इंटरप्रिटेशन सेंटर है ये डैम का। यहाँ से पानी का लेवल इंटरप्रेट किया जाता है। डैम के अंदर जो पानी का लेवल होता है उसको इंटरप्रेट करके सरकारें नहरों में पानी छोड़ती हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बना हुआ है, डिफरेंट आर्किटेक्चर है एक। कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, पूरा पार्क फ्लावर्स से सजा हुआ। अभी उधर जाएंगे तो आगे से दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है। इन फ्लावर्स को आगे से शूट करेंगे। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था ना फ्लावर्स पार्क की, वो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स एक साथ लगाए गए हैं, पूरा पार्क फ्लावर से सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा पार्क मेंटेन किया गया। वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, और पास से दिखाता हूं आपको, देखिए। एंड फ्लावर्स की स्मेल भी आ रही है, बहुत मीठी और अच्छी स्मेल। बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। आगे जाके मैं आगे वाले फ्लावर्स को फिर से शूट करूँगा। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट बेड्स बने हुए हैं फ्लावर्स के, कुछ एक वैरायटी के फ्लावर्स एक जगह पे लगे हुए हैं,
दूसरे फ्लावर्स दूसरे बेड में लगाए गए हैं। शायद ही कोई रंग होगा जिस रंग के फ्लावर्स यहाँ पे ना हों। के सामने गुरुद्वारा एंड ये फ्लावर्स के बेड्स, पूरा फ्लावर पार्क फ्लावर्स से भरा हुआ। सुंदर सुंदर ऐसे फ्लावर्स जो शायद कहीं और देखने को नहीं मिलते। देखिए वाला फ्लावर बेड तो बहुत ही सुंदर है, पिंक व्हाइट रेड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखिए, है ना सुंदर पाक हुई है। कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है बच्चे, तेज बोलो। अच्छा लग रहा है। कौन सा फ्लावर आपको पसंद आ रहा है? पिंक वाला। आपको पता है कौन सा फ्लावर है? और वाइट वाला। वाइट वाला भी पसंद आ रहा है, वेरी गुड। देखिए प्रोफेशनल कैमरामैन ये भी फ्लावर्स की शूटिंग करें। आइए इनके पास चलते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर आप ही के साथ आए हैं। फ्लावर्स की शूटिंग कर रहे हो आप? बिल्कुल, फ्लावर मतलब समझ लो जन्नत में आ गए हम लोग, जन्नत। वेरी गुड। ये वाला बेड देखिए, इसमें ऑरेंज येलो रेड हर तरीके के फ्लावर्स इसमें भी लगे हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ हैं सब फ्लावर्स का मज़ा ले रहे हैं, पूरा फ्लावर पार्क देख के मन खुश हो जाता है। और फाइनली मैं पार्क के दूसरी साइड पे जाऊंगा तो पूरा फ्लावर पार्क मैं आपको एक शूट में दिखाता हूँ। ये पूरा फ्लावर पार्क एक साथ सामने पार्किंग से लेके पूरे गुरुद्वारे तक ये पूरा फ्लावर पार्क बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ। हरी के मैं बिल्कुल डैम के दूसरी साइड पे, एक साइड मैंने आपको इंटरप्रिटेशन सेंटर दिखाया था एंड दूसरी साइड पे गुरुद्वारा और उसके साथ में ये पूरा फ्लावर बेड। अब उस बर्ड को देखिए बिना किसी डर के कितनी मस्ती कर रही है। पार्क के अंदर देखिए हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही है। पाकू हमारे पास आ रही है ना वो? हाँ, मुझे प्यार करती है। आपको प्यार करती है वो? देखो वो डिनर कर रही है, लंच कर रही है। देखिए 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 बिना किसी डर के पक्षी कैसे हरीके में घूमते रहते हैं। है कौन सा पक्षी है? दाना चुगते हुए पक्षी, पेड़ों के पीछे सनसेट होता हुआ ये देखिए, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। ब्यूटीफुल।
रंग बिरंगे फूल। और उसके ऊपर कितना प्यारा सनसेट। पीछे से गुरबानी आती हुई। इतने प्यारे फूल, इतना प्यारा सनसेट और पीछे से गुरबानी की आवाज़, आप सोच सकते हैं कितना प्यारा वातावरण है। एक मैंने सनसेट आपको दिखाया था, एक दूसरे एंगल से मैं सनसेट आपको फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए क्या प्यारा नज़ारा है। गुरुद्वारे का कुछ इतिहास है, सामने फोटो लगी हुई बाबा जी की, पास चलते हैं देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। गुरुद्वारे के बारे दसो मैं माड़ा जहाँ। हाँ जी, ये स्थान है श्री नागपुर के बाबा ईश्वर सिंह ईश्वर धाम नानसर है। थोड़ा जोर नाल ईश्वर धाम नानसर है। ओके, ईश्वर धाम नानसर है जिहड़ा नाम है बाबा ईश्वर सिंह जी होए ने, बाबा नानक सिंह जी दे सेवक। अच्छा, पहला बाबा नानक सिंह जी होए ने कलेरां तों, उन्होंने भगती की थी। ओके जी। हाँ जी, उन्होंने भगती की 50 वरे भगती उन्होंने की है। उन्होंने सेवक होया बाबा ईश्वर सिंह जी। अच्छा जी, उन्होंने उन्होंने सेवा की। अच्छा जी, तो जदों बाबा ईश्वर सिंह जी का जो शरीर से ना, जो शरीर छड़ गए, वो इतने जल प्रवाह दिता गया। शरीर छड़ गया, इतना जल इतने जल प्रवाह दिता गया शरीर इच्छा अनुसार। अच्छा, फिर उन्होंने याद गुरुद्वारा बनाया। अच्छा जी। हाँ जी, उस उन्होंने काफ़ी लोगों को अमृत छकाया, बाणी वाले पास जो गया महापुरुष। अच्छा जी, बंदगी। और कुछ सर? बस यही है जी, इतों का इतिहास था। ये फिर सेवा जी इतने पहला सारा जंगल ही सीगा। ये फिर बाबा साधु सिंह जी हुए ने, जिन्होंने इंग्लैंड जो फिर उतों बाबा जी बाबा साधु सिंह जी वो कलेर आते। बाबा साधु सिंह जी तो बाबा होर उन्होंने सेवादार जेडे, एक बाबा राम सिंह जी कीर्तन करते हैं जेडे हम धरने के उपर, जिन्होंने सुसाइड कर लिया खैर ने, वो इंग्लैंड गए थे। उतों फिर इन्हों का मेल होया बाबा माधो सिंह जी हूँ इस टाइम इतने गली जी ने, उन्होंने 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 जो अच्छी कीर्तन सुनिया बचन सुने बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने उतो सारा कुछ अपना छड़ के त्याग के आपका जीवन इतने लेके ला दिया। फिर उन्होंने सारा स्थान जरा तैयार करवाया। बहुत सोहना स्थान तैयार करवाया जी, उन्होंने फिर जरा सारा तैयार करवाया। तो उन्होंने फिर ये जरा जो जिन्नी देश व्यापार जी सारे उन्होंने
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ब्यूटीफुल यहाँ पे बिल्कुल सच के लग रहे हैं ये जो सामने हिरन है कोई दो राय नहीं है अगर ना बताऊं आपको तो ये सच भी लग सकता आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ आपको गेस कीजिए क्या ये देखिए कितने सुंदर ऑरेंजेस लगे हुए हैं देखिए बर्ड आई है क्योंकि ये बर्ड सैंक्चुरी है तो बहुत सारे बर्ड्स फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं नवंबर टू फेब के बीच में जैसा कि लोकल्स ने बताया अभी भी आपको एक बर्ड मैं दिखा रहा हूँ आई डोंट थिंक ये इंडियन है ये भी मुझे बाहर का ही लग रहा है ऑरेंज शूट करते करते ये भी नज़ारा देखिए कितना सुंदर पक्षी है और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे पक्षी डरते नहीं हैं इनका अपना घर है ये मज़े से घूमते हुए ऑरेंजेस के बीच में से निकल के गया उड़ गया एक छोटा सा ऑरेंज का पेड़ ये इधर भी लगा हुआ ये देखिए लदा हुआ पेड़ ऑरेंजेस से तो पूरी सीरीज है ये ऑरेंजेस के पेड़ की और हर एक पेड़ बहुत सारे ऑरेंजेस से लदा हुआ डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में से क्योंकि बारिश हुई है यहाँ पे थोड़ा पानी जमा है यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है ग्रीनरी एंड व्यू देखिए कितने अच्छे यहाँ पे मिलने हैं देखने को ओहो सामने देखिए फोटो सेशन होता हुआ बाकी हमारी नाराज़ हो गई है थोड़ा भूख लगी है उसको एंड आसपास अभी कुछ खाने को है नहीं उसका मन लगाने के लिए फोटो सेशन हो रहा है रूठ जाती है लेकिन बहुत जल्दी मान जाती है बहुत प्यारा बच्चा है मम्मा उसकी उसका फोटो सेशन करती हुई इसमें वो डाल देना ऑरेंजेस के बाद देखिए आड़ू आड़ू के पेड़ के सामने मैं खड़ा हूँ जिस तरह ऑरेंजेस लदे हुए थे उस तरह आड़ू से भी आड़ू का पेड़ पूरा लदा हुआ देखिए वाओ फ्लावर्स के साथ साथ फ्रूट्स मजा आ गया जी आज सब क्योंकि पके नहीं है आड़ू लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं एक जगह जूम करके आपको दिखाता हूँ देखिए एक आड़ू का पेड़ मिला है जिसमें थोड़े थोड़े आड़ू पकना शुरू हुए हैं देखिए रेड रेड कलर आना शुरू हुआ उनके ऊपर पिछले वाले पेड़ में कच्चे आड़ू लगे हुए थे वहाँ पर राइपनिंग शुरू नहीं हुई है बट इसमें शुरू हो चुकी है देखिए मन तो कर रहा है आड़ू खाया जाए बट मजबूरी है तोड़ नहीं सकते इसको वाह आड़ू के पेड़ मैंने पहाड़ों में देखे थे बट पंजाब के एक
मैदानी इलाके में इस तरह की साड़ू मिलेंगे यकीन नहीं हो रहा। डैम का यूज़ नहरों के लिए किया जाता है, देखिए एक नहर यहाँ से निकल के सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है इस नहर का। आगे कहीं जा रही है ये, आसपास के एरियाज़ को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा इस पानी को। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने जो जो आज एक्सप्लोर किया जा सकता था वो हमने एक्सप्लोर किया है, और अब धीरे धीरे गुरुद्वारे से हम बाहर निकल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ इस बार पूरा परिवार हम लोग आए थे हरी के पतन का शूट पे, और काफ़ी मौसम ने भी हमें तंग किया बट हम लोग माने नहीं, बिकॉज वीडियो भी शूट कर रहा था और आपके पास आना भी था और आपको ये वीडियो दिखाना भी था। तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और इस समय थे हम लोग अमृतसर से एग्जैक्टली 68 किलोमीटर दूर हरी के पत्तन का आज हमने आपको व्यू कराया है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, इसकी बहुत मान्यता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।